दोस्तों, आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, इसका मतलब है आप एमएस वर्ड को डिटेल में सीखना चाहते हो। इतनी सी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप बहुत जल्द ही एमएस वर्ड को सीख जाओगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप ना करके। ये एमएस वर्ड का पूरा वीडियो नहीं है, इस वीडियो में आप एमएस वर्ड का होम टैब के बारे में डिटेल में सीखोगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले एमएस वर्ड का थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद ही हम होम टैब के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है, जिसमें आप टेक्स्ट एडिट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि एमएस वर्ड में कुछ बेसिक लेवल का ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्डपैड सीखे होंगे तो एमएस वर्ड पे कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जिसको आपने वर्डपैड में यूज किया है। अगर आपने वर्डपैड नहीं सीखा है तो चिंता की कोई बात नहीं, शुरू से हम एक एक टूल्स को कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम एमएस वर्ड के सारे टूल्स और उसके ग्रुप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टूल्स क्या होता है, जैसे कि कोई बाइक मैकेनिक के लिए उसका जो टूल्स है, स्क्रू ड्राइवर है, स्लाई रेंच है, बिल्कुल हमारे लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ये जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये टूल्स भी ऐसे ही काम करता है। अगर बाइक मैकेनिक के पास स्क्रू ड्राइवर नहीं रहेगा, स्लाई रेंच नहीं रहेगा, रेंच नहीं रहेगा, तो वो काम कैसे करेगा? अगर ये सारे टूल्स नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे? तो हमारे पास भी टूल्स होना बहुत जरूरी है। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टूल्स। और ग्रुप क्या होता है, ये कुछ कुछ टूल्स को लेके, कुछ सिमिलर टाइप के टूल्स को लेके ही एक ग्रुप बना है। जैसे कि क्लिपबोर्ड में आपको कॉट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का ये टूल्स दिखने के लिए मिल जाएगा। इसका ग्रुप क्या है? क्लिपबोर्ड। बिल्कुल फॉन्ट ग्रुप में भी आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, जितने भी फॉर्मेटिंग करने के लिए टूल्स हैं, आपको फॉन्ट ग्रुप में मिल जाएगा। पैराग्राफ को सेट करने के लिए जितने सारे टूल्स हैं, जैसे कि स्टार्ट ए लिस्ट, एलाइन सेंटर, एलाइन लेफ्ट, एलाइन राइट, जस्टिफाई, जितने भी सारे टूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में ही मिलेगा। यानी कि कोई पैराग्राफ को सेटअप करने के लिए, अच्छे से उसको सेट करने के लिए आपको टूल्स की जरूरत होगी, वो आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही मिलेगा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हर एक टैब में भी आपको ग्रुप्स देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि इंसर्ट टैब में ग्रुप देखने के लिए मिल जाएगा, पेज लेआउट में मिलेगा, रेफरेंस में मिलेगा, हर एक टैब में हर एक टूल्स का ग्रुप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, होम टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटे से कोड लगाना है, इक्वल लगा के RAND टाइप करना है। ध्यान से देखिएगा, इक्वल लगाइए, RAND टाइप कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए कुछ टेक्स्ट आपको ऐसे दिखाई देगा। ये टेक्स्ट बिल्कुल एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन है, मतलब एमएस वर्ड में कौन कौन से टूल्स हैं और वो सारे टूल्स को लेके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कितने प्रोफेशनल लुक दे सकते हो, इसके बारे में ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ और कुछ नहीं, पैराग्राफ को लाने का मतलब यही है कि हम जो सारे टूल्स को यूज़ करेंगे, इफेक्ट ये जो पैराग्राफ के ऊपर लगा के देखेंगे, इसलिए ही हम इस पैराग्राफ को लाए। इस पैराग्राफ को लाने के लिए हम मैंने क्या किया, इक्वल लगाइए, RAND टाइप कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तीन पैराग्राफ आ गया है। अब हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ करेंगे। देखिए कैसे होता है, पहले वाले जो लाइन है इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए आपका जो माउस का कर्सर पॉइंट बिल्कुल उसके साइड में ले जाइए, लेफ्ट साइड में ले जाइए और मार्जिन के ऊपर यहाँ पे सीधे सीधे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लाइन ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए आगे ऐसे ड्रैग करते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे। ये भी एक तरीका है। और भी एक तरीका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए डाउन एरो को प्रेस करेंगे। ये भी एक तरीका है सिलेक्ट करने का। जो भी है आप सिलेक्ट कीजिए, एक लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कट कर दिया, कट, देखिए एक ऑप्शन है कट, क्लिपबोर्ड में आपको दिखेगा, कट के ऊपर क्लिक कीजिए। कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एक्स। अगर आपने नोटपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखा है तो आपको पता होगा। तो कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, पेस्ट का शॉर्टकट की डिटेल में मैंने नोटपैड को पढ़ाया है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है, आप एक बार जाके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे ही हम कट करेंगे, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स, ये जो लाइन है यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से आपको नहीं दिखेगा। देखिए कैसे होता है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और कट कर दिया तो ये लाइन यहाँ से गायब हो गया, उस लाइन की जगह पर दूसरा लाइन आके रुक गया। लेकिन वो जो लाइन है वो कहाँ गया,
वो लाइन आपको क्लिप बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। क्लिप बोर्ड में कहाँ है, क्लिप बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, देखिए छोटा सा क्लिप बोर्ड का, इस वाले एरो के ऊपर क्लिक कीजिए, वो जो टेक्स्ट को आपने, वो जो लाइन को आपने कट कर दिए थे, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्लिप बोर्ड में। अगर आप चाहते हैं वो टेक्स्ट को फिर से पेस्ट करने के लिए, तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए कोई भी लोकेशन आप चूज कर सकते हैं। पहले लास्ट लाइन के एंड पर क्लिक कीजिए, एंड में क्लिक कीजिए और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अगर इस जगह पर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी जो भी क्लिपबोर्ड ग्रुप में पड़ा है उसके ऊपर सीधे सीधे क्लिक कर सकते हैं। वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो गया था, यहाँ पे आगे पेस्ट हो गया है। इस तरीके से आप कट और पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं, वो जो टेक्स्ट स्टोर हो जाता है कहाँ पे स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड आपको एमएस वर्ड में ही ये छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करने से दिखाई देगा। अगर आपने नोटपैड में और वर्डपैड में कट कॉपी करेंगे तो वहां पे आपको क्लिपबोर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड में भी स्टोर होता है लेकिन क्लिपबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस क्लिक कीजिए, क्लिपबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जितनी बार चाहें आप उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कट हो जाएगा, अगर क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा तो जितनी बार चाहें आप उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कॉपी कट पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी क्या है, कॉपी ऐसे है, देखिए पहले जो तीन लाइन है इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर और एक तरीका है, पहले इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कीजिए और तीन बार लगातार क्लिक कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, नीचे आना है, इसको पेस्ट करना है। तो वो जो लाइन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, कैसे, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। ये लाइन इसको मैंने नकल कर दिया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये लाइन यहाँ पे भी मुझे दिखाई देगा। इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर इसको कट पेस्ट करते तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पे नहीं दिखता, लास्ट में दिखता। कॉपी का मतलब है यहाँ पे भी रहेगा और लास्ट में भी रहेगा। इस तरीके से आप कॉपी कट पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है। दोस्तों फॉर्मेट प्रिंटर का काम ये होता है कि किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना और पेंट के सहारे इसको पेस्ट करना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो पहले वाले जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको कोई थोड़ा सा फॉर्मेट लगा दीजिए। फॉर्मेट मतलब आप चाहे तो इसका बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका कलर भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी आप कलर भी सेट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से आप ऐसे सेट कर लीजिए। मान लीजिए इसमें जो भी फॉर्मेट लगा हुआ है आप इस वाले पैराग्राफ में भी वही फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, तो फिर से आप ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और फिर ढूंढेंगे कौन सा कलर था, कौन सा फॉर्मेट था, फिर ढूंढेंगे। इससे अच्छा है आप फॉर्मेट पेंटर को ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे फॉर्मेट लग चुका है, यही फॉर्मेट आप यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं, इसमें भी लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मेट को, ये वाले टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कर्सर कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, मतलब आपका कर्सर पॉइंट के पास ही एक पेंट का निशान आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी पैराग्राफ में आप वो फॉर्मेट को लगाना चाहते हैं सिर्फ आप इस पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे वो जो फॉर्मेट यहाँ पे भी लगा था वही फॉर्मेट यहाँ पे भी लग चुका है। ये क्या हो गया, फॉर्मेट पेंटर के सहारे आप कोई फॉर्मेट को कॉपी किए और अलग सा कोई टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर दिए। फॉर्मेट प्रिंटर का काम यही होता है। और भी एक तरीका है फॉर्मेट प्रिंटर को चलाने का। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है, ये जो लाइन है, चार लाइन है, चार लाइन के ऊपर मुझे कोई भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में टीचिंग दे रहा हूँ, अगर ये जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट करूँगा। तो हाईलाइट करने के लिए मैं फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करूँगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पहले आप फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से हाईलाइट कलर में कोई भी कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाले कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट करूँगा आपका कर्सर कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। अगर ये जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों फॉर्मेट प्रिंटर आपको समझ में आ गया हो। फॉर्मेट प्रिंटर किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करता है और फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से दूसरा कोई टेक्स्ट के ऊपर इसको वो जो फॉर्मेट को अप्लाई करता है। इस तरीके से फॉर्मेट प्रिंटर काम करता है। खत्म हो गया है दोस्तों क्लिपबोर्ड ग्रुप का सारा ऑप्शन। अब हम फॉन्ट ग्रुप में जितने सारे ऑप्शन हैं उसको यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, फॉन्ट ग्रुप में जितने भी सारे ऑप्शन हैं सो सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट लगाने के लिए यूज होता है। इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बोल्ड कीजिए। देखिए पहला वाला ऑप्शन है बोल्ड, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बी। जैसे ही बोल्ड करेंगे
ये वाले पैराग्राफ से थोड़ा डिफरेंट आपको ये पैराग्राफ दिखेगा, क्योंकि ये बोल्ड हो चुका है, थोड़ा मोटा आ गया है। इस तरीके से अगर किसी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, थोड़ा मोटा रखना है, तो आप बोल्ड का इस्तेमाल कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर किसी टेक्स्ट को आप स्टाइलिस्ट करना चाहते हैं, इटैलिक फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो आप इटैलिक के ऊपर क्लिक कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना है, उस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही उस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट लग चुका है। अब आपको ये वाले तीसरे नंबर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मतलब है ये किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडर में एक लाइन आपको दिखाई देगा, ये होता है अंडरलाइन। देखिए, स्कूल्स में, आप स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसे होता है ना, अगर किसी सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है, उस सेंटेंस के नीचे एक पेंसिल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इसमें भी आप अगर ये जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको सिलेक्ट करके हम अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन यहाँ पे भी लग जाएगा। आप स्ट्राइक थ्रो इसको यूज करेंगे। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है दोस्तों, किसी टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और ये स्ट्राइक थ्रो के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये टेक्स्ट की मिडिल में एक लाइन ड्रॉ हो गया है। इसका मतलब ये टेक्स्ट रॉन्ग है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम कॉपी में लिखते हैं, कोई टेक्स्ट गलत हो जाता है, कोई पैराग्राफ गलत हो जाता है, तब हम उसके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो गलत होने से इसको हटा सही लाइन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत है, जरूरत यही है, आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में देखे होंगे, MRP जो होता है, अगर वो 200 रुपया है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ होगा, नीचे आवर प्राइस लिख के 150 रुपया होगा। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है जानते हैं। सबस्क्रिप्ट यानी कि जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, और जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम थोड़ा हटके से, थोड़ा अलग है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे तो क्लिक है, टाइप कीजिए H2O। H2O ऐसा नहीं लिखा जाता है दोस्तों, H2O पानी का सांकेतिक चिन्ह होता है। ये जो H2O है, ये इस तरीके से लिखा नहीं जाता है, मतलब H और O के बीच में 2 जो है थोड़ा छोटा और नीचे रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको सबस्क्रिप्ट में बदल देंगे। पहले आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए 2 के साइड में, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए एरो की को इस्तेमाल करके 2 को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर माउस में ऐसे आप धीरे सिलेक्ट कर सकते हैं। X2 के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए H2O ये अब एक सांकेतिक चिन्ह जैसे आपको दिखाई देगा। अगर आप टाइप करेंगे CO2, लेकिन 2 जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, 2 को सिलेक्ट कीजिए और X2 के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम जानते हैं सुपरस्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाता है। अगर आप टाइप करेंगे A+V का होल स्क्वायर, क्या ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर क्या ऐसे होता है, नहीं होता है ना, आप 2 को सिलेक्ट कीजिए और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका 2 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब ये A+V का होल स्क्वायर हो चुका है। इक्वल लगाइए, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा A² + 2AB + V², लेकिन जो स्क्वायर है A का वो इस तरीके से नहीं रहेगा, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर से इस 2 को सिलेक्ट कीजिए और सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये अब हो जाएगा एक मैथमेटिक फॉर्मूला जैसे आपको दिखाई देगा। अगर कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम आपके सामने आता है इसको लिखने के लिए, तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को यूज करके लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। अब दोस्तों चेंज केस ऑप्शन को यूज करेंगे। चेंज केस ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, जिसको आपने कभी वर्डपैड में या फिर नोटपैड में यूज नहीं किया होगा, क्योंकि वहां पे है ही नहीं। एमएस वर्ड में स्पेशली ये जो चेंज केस का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बहुत काम का है। ध्यान रखिएगा, पहले मैं इस पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको इस पैराग्राफ को सिर्फ एक चुटकी में इसको कैपिटल लेटर में बदलना है, तो आप चेंज केस में चले जाइए और यहाँ पे अपर केस के ऊपर क्लिक कीजिए, एक साथ सारा टेक्स्ट आपका कैपिटल लेटर में बदल गया। और अगर आपको इसको छोटा करना है, मतलब स्मॉल लेटर करना है, तो लोअर केस के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर इसको आप सेंटेंस केस करेंगे, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में कैपिटल होगा, फुल स्टॉप तक स्मॉल लेटर होगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, हर एक वर्ड के आगे आपको कैपिटल लेटर नजर आएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। टगल केस आप कर सकते हैं, लेकिन टगल केस आप नहीं करेंगे, टगल केस गलत है। स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर और बाद में कैपिटल लेटर, ऐसा नहीं होता है, इसको इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा ऑप्शन है। सेंटेंस केस को यूज करके इसको सही कर देंगे। इस तरीके से आप
चेंज के इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है दोस्तों, अगर किसी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है, जैसे कि ये वाले टेक्स्ट को, जो ये वाले लाइन को हमें हाईलाइट करना है, तो ये वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये तो हाईलाइट कलर मतलब टेक्स्ट के पीछे एक कलर लग जाएगा बैकग्राउंड में, अगर किसी टेक्स्ट को कलर करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर फिक्स कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से ले सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर आपको यहाँ से दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप कॉपी में लिखते तो आपको बहुत सारे कलर का पेन खरीदना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो सारे कलर आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी कलर को आप ऐसे उठा लीजिए तो आपका टेक्स्ट उस कलर में आ जाएगा। इस तरीके से टेक्स्ट कलर को इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं फॉन्ट जो फैमिली होता है, फॉन्ट का जो स्टाइल्स होता है, जैसे कि मैं ये टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, अगर मुझे ये जो टेक्स्ट या फॉन्ट का जो स्टाइल्स पसंद नहीं है तो मैं दूसरा कोई स्टाइल ले लूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और जो भी स्टाइल यहाँ से पसंद है आप ले लीजिए। बहुत सारे स्टाइल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे आपको जो भी पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाले टेक्स्ट से ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसको मैंने फ्रंट फैमिली चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा साइज बड़ा करूँगा। अगर चाहे तो आप इसका साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप 1638 तक साइज बढ़ा कर सकते हैं, इससे आगे आपका टेक्स्ट बड़ा नहीं होगा। 1638 बहुत है, देखिए टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए आप इसका साइज 16 या 11 रखेंगे, स्टैंडर्ड साइज है, बहुत है, इतने बड़े साइज नहीं चाहिए। लेकिन इसका जो मैक्सिमम साइज है 1638 है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं ग्रो फंड और श्रिंक फंड का काम क्या है। किसी भी फंड का साइज को हम बड़ा करने के लिए ग्रो फंड का इस्तेमाल करेंगे और इसको छोटा करने के लिए श्रिंक फंड का इस्तेमाल करेंगे। इस टेक्स्ट में जितने भी सारे फॉर्मेट्स लगा हुआ है, एक साथ सारे फॉर्मेट को क्लीन करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ऊपर सिंगल क्लिक कीजिए, टोटल टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिए, अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग फॉर्मेट लगा हुआ है, जैसे कि अलग फंट है, अलग कलर है, अलग टेक्स्ट हाईलाइट कलर नहीं हटेगा, साइज है, विभिन्न विभिन्न टाइप के जो फॉर्मेट लगा हुआ है, एक साथ सारे फॉर्मेट को चाट के क्लीन कर देगा। ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा। अगर ये वाले टेक्स्ट का जो अगर ये जो टेक्स्ट हाईलाइट को आपको हटाना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके आप नो कलर कर दीजिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप को। अब जानते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ का पहला जो ऑप्शन है ये है बुलेट्स लिस्ट। बुलेट लिस्ट का मतलब है चाहे तो ये जो सिंबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो सिंबल्स है, इसको भी यूज़ करके आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, या फिर आप 1, 2, 3 ऐसे लिस्ट भी बना सकते हैं, III ऐसे लिस्ट भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप लिस्ट भी बना सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट को मार्जिन को थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको पीछे भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़रूरत है तो क्या करना होगा, आपको इंक्रीज फंड कीजिए, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, और डिक्रीज फंड कीजिए, ये थोड़ा पीछे आएगा। और यहाँ पे A to Z सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई दे, लेकिन A to Z सॉर्ट जो है वो काम कैसे करता है, पहले आप यहाँ पे 2-4 नाम टाइप कीजिए। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ राम, अनिल, बिकॉज, चिन्मय, ऐसे मैंने नाम टाइप कर दिया, ऐसे मैंने 4 नाम टाइप कर दिया। लेकिन इसमें जो ए वाला जो टेक्स्ट है मतलब अनिल है वो पहले आएगा, बी वाला विकास वो दूसरे वाले में आएगा, चिन्मय वो तीसरे वाले में आएगा, राम चौथे वाले में आएगा। अगर आपके पास एक नेम लिस्ट है और आप उसे चाहते हैं सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम ए से शुरू होगा वो पहले रहेगा, जिसका नाम बी से शुरू होगा वो दूसरे वाले स्थान में रहेगा, इसको तो आप एक साथ सिलेक्ट करके सॉर्ट वाला ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए और ये जो सॉर्ट A to Z सॉर्ट है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। पहले आप ये जो असेंडिंग वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए, ये तो है, अब आपको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे, अनिल पहले स्थान में आ गया, विकास दूसरे स्थान में, चिन्मय तीसरे स्थान में, राम चौथे स्थान में। अगर और भी कोई टेक्स्ट होता तो उसी के हिसाब से अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट हो जाता। अगर इसको Z to A करना है, मतलब राम पहले आएगा, सी उसके बाद आएगा, बी उसके बाद आएगा, ए लास्ट में आएगा, तो आप A to Z में जाइए और डिसेंडिंग करके इसको ओके कीजिए। तो इस तरीके से भी आप सॉर्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अलाइन लेफ्ट क्या होता है, अलाइन सेंटर क्या होता है, अलाइन राइट क्या होता है। अलाइन लेफ्ट मतलब आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रहेगा, अलाइन सेंटर मतलब आपका टेक्स्ट सेंटर में रहेगा, और अलाइन राइट मतलब इस जो आपका टेक्स्ट राइट साइड में रहेगा। जस्टिफाई का काम क्या होता है, जस्टिफाई का काम आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। पहले इस सारे पैराग्राफ को एक साथ ऐसे सिलेक्ट कीजिए। देखिए जो स्टार्टिंग में मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी टेक्स्ट शुरू हुआ है, जितने भी लाइन शुरू हुआ है वो एक समान में शुरू हुआ है, लेकिन जो राइट साइड में लाइन खत्म हुआ है वो एक समान नहीं है,
कोई लाइन छोटा है, कोई लाइन बड़ा है, लेकिन आपको सारा जो लाइन है लेफ्ट राइट को इक्वल इक्वल रखना है। तो आप जस्टिफाई को यूज़ करेंगे तो एक साथ ये लेफ्ट और राइट में जितने भी टेक्स्ट है ये इक्वल लाइन है, ये इक्वल इक्वल हो जाएगा, समान समान में आ जाएगा। अब आपको स्पेस रखना है, स्पेस को यूज़ कीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ से आप स्पेस ले सकते हैं, अगर कम स्पेस चाहिए तो 1.0 ऐसे रख सकते हैं। हर एक पैराग्राफ में भी आपको स्पेस हटाना है तो आप एक साथ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चले जाइए और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका एक साथ सारा स्पेस हट जाएगा। अगर फिर से आपको स्पेस लगाना है तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से स्पेस लग जाएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो स्पेस यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से लाइन स्पेस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं सेटिंग क्या होता है, सेटिंग मतलब होता है, देखिए सेटिंग, अगर यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया, सेटिंग में जाऊंगा तो पूरी की पूरी एंटायर पैराग्राफ ही कलर हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऐसे ही काम करता था, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा, मतलब जितने भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे उतने टेक्स्ट आपका कलर होगा। लेकिन सेटिंग ऐसा नहीं है, सेटिंग मतलब किसी एक पैराग्राफ में आप कर्सर रखिए तो वो एंटायर पैराग्राफ को ही सिलेक्ट कर लेगा। मैं आपको और भी एक अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग लिखा, जैसे कि COMPUTER कंप्यूटर टाइप कर दिया, इसको मैंने कलर करूँगा तो मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर करूँगा तो बस इतनी से ही कलर होगा। लेकिन पूरा लाइन कलर करना है तो मुझे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जो भी कलर मुझे पसंद है मैं कलर ले सकता हूँ। इस तरीके से सेटिंग का काम यही होता है दोस्तों, बहुत अच्छा है सेटिंग ऑप्शन। और बॉर्डर है, चाहे तो आप इसको बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि बटन बॉर्डर मैंने सेट कर दिया, चाहे तो आप इसको टब बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो देखिए टब बॉर्डर यहाँ पे सेट हो गया है, चाहे तो आप इसको ऑल बॉर्डर्स भी सेट कर सकते हैं, मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। इस तरीके से भी आपका बॉर्डर सेट हो जाएगा। तो आपका पैराग्राफ में बॉर्डर सेट करने के लिए ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन को यूज़ कीजिए। अगर आपको एक साथ बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर्स कर दीजिए, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आप जानते हैं स्टाइल ऑप्शन में क्या क्या चीज़ है। स्टाइल ऑप्शन में आपका टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप रख सकते हैं। जैसे स्टाइल ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको कोई भी स्टाइल, जो भी स्टाइल आपको पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद का स्टाइल बनाएं तो अप्लाई स्टाइल में चले जाइए और यहाँ पे मॉडिफाई कीजिए, मॉडिफाई नहीं, इसको पहले हटाइए, नॉर्मल को हटाइए, आप खुद का नाम टाइप कीजिए, जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ और न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूरे नाम का एक स्टाइल आ चुका है, मॉडिफाई करूँगा, यहाँ पे जो जो मुझे कलर लगाना है मैं लगा सकता हूँ, स्टाइल थोड़ा डिफरेंट रखूँगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा बोल्ड तो पहले से ही है, कलर चेंज करूँगा, रेड कलर रखूँगा, इसको मिडिल में रखूँगा ऐसे, ठीक है ऐसे रखूँगा, थोड़ा स्पेस लगाऊँगा इसको ऐसे, थोड़ा स्पेस रखूँगा, ज़्यादा स्पेस रखूँगा और इसको ओके करूँगा। देखिए मैंने जिस भी स्टाइल सिलेक्ट किया उसी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये कैसे हुआ, मैंने एक स्टाइल बनाया, कैसे किया, पहले आप इस स्टाइल वेल ये जो एरो में जाइए, इस एरो के ऊपर जाइए और यहाँ पे अप्लाई स्टाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, अपना नाम टाइप कीजिए, मॉडिफाई कीजिए और अपना स्टाइल भी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चेंज स्टाइल के चाहते हैं, अगर आपको स्टाइल पसंद नहीं है तो दूसरा कोई स्टाइल भी रख सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, नॉर्मल को सिलेक्ट कर देता हूँ, ये जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करके सेटिंग में जाके इसको नो कलर कर देता हूँ और इसको मैं बैकस्पेस लगा देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं हेडिंग कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे स्टाइल सेट में जाना है, अगर हेडिंग का स्टाइल दूसरा कोई चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये चेंज हो रहा है। इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं स्टाइल। अगर आपको कलर भी दूसरा कोई कलर भी पसंद है तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कलर वाला पहले आप स्टाइल सेट कीजिए, फैंसी को सिलेक्ट कीजिए, कलर में जाइए, आपको कुछ भी जो भी कलर पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला कलर पसंद है तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप कलर ले सकते हैं। अगर आपको फंट भी पसंद नहीं है, दूसरे वाले कोई फंट रखना है तो आप यहाँ से फंट को भी रख सकते हैं। और फाइंड क्या है, फाइंड मतलब है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, फाइंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अगर किसी टेक्स्ट को ढूंढना है तो मैं टाइप करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ढूंढूंगा किसको, इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट को ढूंढूंगा, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, इंसर्ट यहाँ पर है तो इंसर्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इंसर्ट की जगह कोई और लिखना है, मुझे और रखना है, तो रिप्लेस विथ ए, या फिर 4A 4-5A ऐसे टाइप कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे इंसर्ट होगा वहाँ पे 4-5A आ जाएगा। रिप्लेस अर्थ ऑल कर दूंगा, इसका मतलब है जहाँ जहाँ उसको इंसर्ट मिलेगा वहाँ पे 4-5A को वो रिप्लेस कर देगा। अब सिलेक्ट का मतलब है सिलेक्ट ऑल, जितने भी सारे कंटेंट है आपके पेज में सारे कंटेंट को एक साथ सिलेक्ट करना। इस तरीके से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे भी ऐसे और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।